आज की छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे आर्चेट और भाई वो जो दोनों स्टूडेंट थे ओक्टागन और रोम्बोइड। आर्चेट बताता है कि तुम्हारे पापा ने मुझे यहाँ पे भेजा है ताकि मैं तुम्हें इस प्लमर से मतलब पास करा पाऊँ, पास आउट। तो वो आर्चेट को कंट्रोल सेंटर का रास्ता बता देते हैं। आर्चेट वहाँ पे चला जाता है, तो वो जब वो गेट खोलता है तो वहाँ पे एक प्लमर होता है और वो प्लमर को अपने डार्ट से गिरा देता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। दोनों का डाटा चेक करने लग जाता है और वो देखता है कि भाई उन्होंने अपने नाम की भी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। उनके मार्क्स वगैरह सभी चीज़ें देखता है और उनको ठीक करने की कोशिश करता है। प्लमर जो है उन्हें पता चल जाता है कि एक स्पेसशिप उनके पास आती जा रही है। वो उनसे उसका नाम मांगते हैं, लेकिन जब वो जूम करके देखते हैं तो वो देखते हैं कि भाई कैमन पास आता जा रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। सभी तरफ फायर अलार्म मतलब रेड अलार्म बज जाता है और हमारे हीरोज़ को भी पता चल जाता है कि भाई केविन आ गया है। अब देखते हैं वो क्या करते हैं। कर्नल जो होता है वो बेन को कहता है कि बेन ये तुम्हारी मुसीबत है, तुम्हें तुम्हारे पास इसका एक प्लान होना चाहिए। लेकिन बेन अब की बार काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसके पास अब की बार कोई भी प्लान नहीं था। आर्चेट जैसे ही बाहर जाता है तो उसे लगता है कि सबको पता चल गया है कि मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन वो केविन की वजह से भाग रहे थे। केविन को नहीं पता मतलब आर्चेट को नहीं पता कि केविन यहाँ पे आ चुका है। केविन विग जेल की शक्ति से अंदर आता है, फिर फायर से सभी प्लमर्स को नीचे गिरा देता है और जैसे ही कर्नल उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है तो गूप की मदद से वो उसको ऊपर उठा लेता है और तभी पीछे से बैन आ जाता है। बैन और केविन दोनों आपस में बात करने लगते हैं और तभी कर्नल उसके हाथ पे गोली मारता है जिसकी वजह से वो उसके ऊपर पानी का हमला करता है, लेकिन ग्वेन उसे बचा लेती है। बेन कहता है कि मेरे पास प्लान होना चाहिए क्योंकि मेरी ये गलती है, मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया तो मैं ही तुमसे निपटूंगा। फिर वही ह्यूमंगसोर बन जाता है और फिर उसके बाद अल्टीमेट ह्यूमंगसोर। दोनों में मस्त वाली लड़ाई होती है। पहले अल्टीमेट ह्यूमंगसोर केविन को अच्छी तरह से पीट देता है, लेकिन अल्टीमेट केविन जो होता है वो उसको अच्छी तरह मतलब एक घूसे में भाई नीचे गिरा देता है, मतलब वो दो तीन बार मारता है। और फिर उसके बाद बेन अपने असली रूप में आ जाता है। फिर केविन कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा तड़पाऊंगा नहीं, और तभी ग्वेन आ जाती है और उसके ऊपर हमला करने लगती है जिसकी वजह से केविन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और वो कहता है कि मैं तुम पर भरोसा करता था लेकिन तुम भी मुझे मारने पर तुली हुई हो। फिर वो उसके ऊपर भी हमला कर देता है। आर्चेट वहाँ पर आ जाता है और वो भी भाई दोनों बेवकूफ़ बंदों के साथ ऑक्टागन है। वो केविन के ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देता है जिसकी वजह से केविन तो मर ही जाएगा, लेकिन वो जो स्पेस स्टेशन था वो भी भाई ख़त्म हो जाता। फिर वो बनता है बेन एको एको और फिर उसके बाद अल्टीमेट एको एको जिसकी वजह से वो सोनिक वेव्स की मदद से उस न्यूक्लियर ब्लास्ट को रोक पाया, मतलब एक ही जगह पे, और फिर उसको स्पेस में जाकर दूर फेंक दिया। इतने वो फेंकने गया वहाँ पे केविन ने आर्चेट को देख लिया था और उसके अच्छी तरह से बैंड बजाने लग गया। केविन ने आर्चेट को गले से पकड़ के उठाया, लेकिन आर्चेट कहता है कि कम ऑन केविन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन केविन भाई केविन ने किसी की नहीं सुनी थी। केविन उसको मारता गया और तब तक मारा उसने जब तक वो मर नहीं गया। आर्चेट मरने की एक्टिंग करता है, बीच में ग्वेन आ जाती है। ग्वेन कहती है कि केविन तुम ये नहीं हो, वो तुम्हारा दोस्त है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वही यार इमोशनल अत्याचार वाली बातें, ताकि वो थोड़ा सा शांत हो जाए। लेकिन केविन ग्वेन के ऊपर भी हमला कर देता है और जैसे ही वो उसको मारने के लिए जाता है तो वो रुक जाता है और वो कहता है कि मैं तुम पर इसलिए हमला नहीं कर रहा क्योंकि मैं तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा परवाह करता था। फिर उसके बाद उसे लगता है कि आर्चेट मर चुका है और वो विग जेल की पावर की वजह से वहाँ से चला जाता है। बेन को कर्नल ले आता है और कर्नल कहता है कि शायद आर्चेट मर चुका है, लेकिन बेन को पता था कि भाई वो एक्टिंग कर रहा है और वो सच्ची में एक्टिंग कर रहा था। वो कहता है कि शुक्र है मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी नर्व्स रोक ली थी वरना केविन मुझे सच्ची में मार डालता। और बेन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये ऐसे इतने दिनों तक जिंदा रहा है। फिर आर्चेट कहता है कि ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ, लेकिन कर्नल उसे पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम्हारे ऊपर 14 केस पेंडिंग है, अभी तो तुम्हें काफ़ी देर तक हवालात में अपनी उम्र काटनी है। वो दोनों मतलब ऑक्टागन और रोम्बोइड उसे पकड़ के ले जाते हैं और उसके भाई बेन कहते हैं अब हमारे पास कोई चारा नहीं है केविन को मारने के अलावा। बेन कहते हैं कि हाँ वो अब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। तो यार वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।